नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपकी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे यूपी उन्नत प्रजा शिक्षक भर्ती के बारे में। भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी, नंबर बढ़े तो बढ़ेंगे पद। हाँ जी भाई, सही सुना आपने। दोस्तों सरकार की तरफ से दोस्तों एक न्यूज निकल के आ रही है गाइज आप सबके लिए। अगर दोस्तों आपके इसमें नंबर बढ़ते हैं तो भाई आपके पद भी इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद दोस्तों लिया गया है फैसला। दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, आप दोस्तों एकदम रियल और सही जानकारी लेना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज आपको पता होगा दोस्तों, कल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री कल लाइव आए थे। उन्होंने मतलब कि क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग को के मुद्दे पे बातचीत की थी। दोस्तों उन्होंने आज सुबह फिर वो लाइव आए हैं। दोस्तों उन्होंने खुद बोला है कि अगर दोस्तों आपके इसमें नंबर बढ़ते हैं, इसमें आपकी पोस्ट भी इंक्रीज होगी। कितनी पोस्ट दोस्तों इंक्रीज हो सकती है, आप मान के चलो दोस्तों 20 से 22 हजार आपकी पोस्ट इसमें इंक्रीज हो सकती है। तो भाई मान के चलो 29 हजार प्लस 22 हजार आपके दोस्तों 91-92 हजार पोस्ट इसमें हो जाएंगी। दोस्तों जो भी स्टूडेंट अगर ज्यादा थे मेरिट लिस्ट में, दोस्तों उनको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप सबका इसमें सिलेक्शन होने वाला। दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। गाइज मैं आपको लाइव बयान सुना देता हूँ हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री है सतीश द्विवेदी जी का, ठीक है? तो गाइज चलते हैं वीडियो के ऊपर एक बार। तो गाइज यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पदों की कमी नहीं है। अगर कुछ ऐसे लोग कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, कमेटी के बाद, अगर कुछ और लोग उस मेरिट के दायरे में आएंगे तो हम उनको शामिल कर सकते हैं। सर एमआरसी के मुद्दे को भी लेकर के छात्र में काफी आक्रोश है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भर्ती हो रही है जो हमारे देश का संविधान है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए गए जो नियम उपनियम है उन्हीं के अंतर्गत हो रहा है, कुछ नया नहीं। ओवरलैपिंग को लेकर के भी सर कहीं ना कहीं जनरल कास्ट के छात्रों में सर आक्रोश है ओबीसी के प्रति सर? जो स्थापित विधि की प्रक्रिया है, जो आरक्षण के जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो रही, इसमें हम किसी तरह का कोई मनमानी नहीं कर सकते। तो गाइस सुन लिया भाई आपने, दोस्तों आपकी इसमें दोस्तों पोस्ट भी इंक्रीज भाई होंगी। भाई एक बार भर्ती स्टे हट जाए भाई, आपकी सभी जानकारी आपको दोस्तों मैं पल पल के अपडेट में आपको देता रहूंगा इस चैनल पे। दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना आगे की नई अपडेट्स के लिए। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। भाई अगर आप यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आपको दोस्तों कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई देखिए भाई, कोर्ट के निर्णय के बाद दोस्तों आपके जो भर्ती स्टे हटने के बाद दोस्तों अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, आप किसी में दोस्तों पोस्ट इंक्रीज होने की पूरे पूरे चांसेस है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो गाइस जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आगे की न्यू अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।